आज हम आपको इंडियन आइडल सीजन 12 से जुड़ी दोस्ती के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के मंच पर कई सारे दोस्त बनते हुए दिखे और साथ ही साथ कई सारे दोस्त जो हैं अभी भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं में से एक है अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन। अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन का जो रिश्ता है वो दोस्ती से बढ़कर है, लेकिन इनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। जब भी स्टेज पर आती है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे अरुणिता और पवनदीप, किस तरह से एक दूसरे को संभालेंगे, किस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये तो देखने वाली बात है दोस्तों। और हर बार अपने ऑडियंस को आश्चर्यचकित कर देते हैं अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन। अगर हम दूसरे दोस्ती की बात करें, पवनदीप राजन की दूसरे दोस्ती की बात करें, तो उनके दूसरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं आशीष कुलकर्णी। आशीष कुलकर्णी का जब इविक्शन हो रहा था, सभी की आंखें पूरी तरह से नम पड़ गई थी, सभी जो है फूट फूट कर रो पड़े थे, क्योंकि आशीष कुलकर्णी भी काफ़ी अच्छे और मल्टीपल टाइप के सिंगर हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हैं। अब आशीष कुलकर्णी ने पवनदीप राजन के लिए फिनाले में, हालांकि वो आशीष कुलकर्णी तो फिनाले में जीत नहीं सकते क्योंकि उनका एलिमिनेशन हो गया, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को वो जीतता हुआ देखना चाहते हैं और साथ ही साथ इसके लिए उन्होंने एक बहुत प्यारा सा तोहफा दिया ताकि पवनदीप राजन का मूड जो है काफ़ी अच्छा बना रहे। अब ऐसा क्या तोहफा दिया दोस्तों, चलिए आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं यही बात। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या दिया पवनदीप राजन ने, पवनदीप राजन के लिए आशीष कुलकर्णी ने। आशीष कुलकर्णी आज स्टेज पर, आशीष कुलकर्णी फिनाले में भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। सभी एक्स कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया है फिनाले में, जैसे कि हमेशा होता आया है। सभी कंटेस्टेंट परफॉर्म करेंगे, आशीष कुलकर्णी भी शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं और आशीष कुलकर्णी जो हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक तोहफा लेकर आएंगे, जिसमें आशीष और पवनदीप राजन का नाम लिखा है। और आशीष और पवनदीप राजन की जो जोड़ी है वो सदा सलामत रहे और साथ ही साथ संगीतकार जोड़ी जो है उसके नेम प्लेट के नीचे लिखा गया है माँ। बहुत ही अच्छा तोहफा लेकर आया है आशीष कुलकर्णी ने पवनदीप राजन के लिए, क्योंकि पवनदीप राजन संगीत प्रेमी है, संगीत उनके नस नस में बसता है। तो आशीष कुलकर्णी ने भी ये समझा और ये जाना और उनकी दोस्ती को एक नया नाम देना चाहा। बेस्ट संगीतकार जोड़ी। और ये तोहफा जो है बहुत ही अच्छा लगा पवनदीप राजन को, और अपने दोस्त के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हुए दिखाई दिए पवनदीप राजन और आशीष कुलकर्णी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत, और हम भी चाहेंगे कि इनकी जो जोड़ी है संगीतकार जोड़ी के रूप में जल्द आए। और साथ ही साथ विशाल ददलानी और नदीम श्रवण और भी बहुत सारे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, मतलब ऐसे बहुत सारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनकी जोड़ी काफ़ी पसंद किया जाता है, उन्हीं जैसी जोड़ी बने और इतिहास बनाएं। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।